हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होकर हम पहुंच चुके हैं इंडिया। और ये है यूएसए टू इंडिया की 4 सीरीज। इसमें हम दिखाएंगे कि नए मकान में हमने कैसे अपना गृह प्रवेश किया और वहां पर कौन सी पूजा कराई। जी हाँ, हम करवा रहे हैं रुद्राभिषेक। और ये हुआ था अक्टूबर में, टाइम बहुत कम था हमारे पास और हम जब गए तो फटाफट वहाँ पर पूजा की तैयारियाँ शुरू होने लगी। कुछ दिन बाद हम लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मेडिसिन ले लेकर हम लोग काम सारे करते जा रहे थे। तो रात में फीवर था और सुबह उठकर पूजा करनी, तो देखिए हम आ गए हैं, यहाँ पूजा की तैयारी हो चुकी है। पंडित जी कैसे पूजा करवाते हैं, रुद्राभिषेक कैसे होता है, तो छोटी सी पूजा हुई है। और आइए आप लोग देखिए इस व्लॉग को। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यूएसए टू इंडिया की ट्रिप की 4 सीरीज। अस्थिर लक्ष्मी चेकार पर्यंतम संरक्षणार्थम सकल कायिक वाचिक मानसिक। तो हिंदू संस्कृति में पूजा पाठ का बहुत महत्व है और यहाँ पर देखिए रुद्राभिषेक की तैयारी हो चुकी है और यहाँ गणेश जी माता पार्वती जी की पूजा हो चुकी है। नीचे मिट्टी की शिवलिंग बना दी गई है और एक बहुत बड़ी सी थाली में रखी गई है। अब इनका रुद्राभिषेक होगा। वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवं 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 जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 चलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि। तो यहाँ पर ऐसे
ऐसे ही कंटिन्यू दूध डालना होता है, शंकर जी पे अभिषेक होता है और बारी बारी से फैमिली मेंबर आते हैं और वो पूजा करते हैं। ऐसे ही चलती है लंबी पूजा। इसके बाद क्या होने वाला है देखते रहिए, इसके लिए ये पूरा व्लॉग। मॉर्निंग से फास्ट था और यहाँ पर पूजा और हवन कंप्लीट हो चुका है, रुद्राभिषेक भी हो गया है। अब चलते हैं किचन की तरफ, किचन में पूजा होगी गैस की। और मुझे चिंता भी हो रही थी कि मॉर्निंग से काफ़ी टाइम हो चुका था, ईशान को भी फीवर था, मुझे भी मेडिसिन देनी थी। तो यहाँ पंजी से गैस की पूजा करवा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ से पहले गैस की पूजा होती है, देन उसके बाद कुकिंग स्टार्ट होती है। तो नए घर में जब भी हम ऐसे गृह प्रवेश करते हैं तो ऐसे करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए। तो देखिए जैसे हमसे हो पाया फटाफट जल्दी से जल्दी हमने पूजा करवा ली, देन उसके बाद थोड़ी बहुत हम पिक्चर वीडियो आपको मिलाएंगे अपने कुछ फैमिली मेम्बर से। तो चलिए इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए आप लोग। इवनिंग का टाइम हो रहा है, ये है मेरी सिस्टर और यहाँ पर शाम में सब लोग बैठे हैं। अब पूजा के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी क्योंकि धुआं ही धुआं पूरे घर में था और अक्टूबर में इंडिया में तो थोड़ी बहुत गर्मी रहती है। देखिए यहाँ हो रहा है लेडीज संगीत, तो एंजॉय करिए इस ब्लॉग को। तो गाना बजाना हो चुका है, अब करते हैं पेट पूजा। तो यहाँ पर पार्टी चल रही है, दावत चल रही है, छोटी सी फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं और सबका खाना चल रहा है। वो वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, पेट में चूहे कूदने लगे कि मॉर्निंग से हो गई, यहाँ इवनिंग 6-7 o'clock के आसपास हो रहा है। और चलिए अब करते हैं डिनर, आइए आप हमारे साथ इंजॉय करिए ये हलवाई वाले भैया की गर्म गर्म पूड़ियाँ। मैं घर का विजिट नहीं करा पाई इस बार, नेक्स्ट टाइम जरूर जाऊंगी, वाले घर का पूरा विजिट करा के दिखाऊंगी व्लॉग। और यहाँ पे फैमिली पिक्चर्स हैं देखिए आप लोग। ये है मेरी छोटी प्यारी सिस्टर, नाइट का है, एक दिन पहले पूजा के मुझे फीवर था, सब लोग बहुत परेशान हो गए थे, ईशान को भी था, सबकी तबीयत खराब थी लगभग। उन्होंने बहुत प्लान किया था मेहंदी लगाने का, सैड हो गई थी, मैंने बोला चलो लगा दो और फिर ऐसे हमारी मेहंदी भी लग गई। थैंक यू सो मच, ये तो एक छोटी बहन ही कर सकती है रियली। और यहाँ कुछ गिफ्ट हैं जो मेरे मायके से सबके लिए आए थे, तो कुछ पिक्चर हैं वो शेयर कर रही हूँ। इस ब्लॉग को देखने के बाद जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा।
फिर मिलती हूँ जल्दी आपको एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टू ऑल ऑफ यू।